फिटनेस की दुनिया में कुछ ज्यादा ही लोग आ गए हैं। ये घर नहीं अखाड़ा है, अखाड़ा। इधर से क्यों आवाज आ रही है? गुबी व्लॉग का, व्लॉग का सवाल है गुबी। तू भाग मिलकर। व्हाट अ लॉकडाउन फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल लॉकडाउन। ये सारे मेडल आपको लग रहा होगा गेमिंग के होंगे, जिस हिसाब से गेमिंग चलती है। कुछ नहीं, रेस कंप्लीट करने के मेडल है, जीतने के भी नहीं है। कौन सा जीता इसमें से तू? सारे फुटबॉल वाले हैं, गोल्ड वो भी। फुटबॉल कितने टाइम से नहीं खेला? एक दो साल हुए, एक डेढ़ साल। देख लो, सब चुप रहेंगे दोस्तों। अभी आप ध्यान से कान लगा के एक आवाज सुनो, यारी ना वह चिर 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 चिर। ये पता क्या होता है? ये होता है एकदम प्रबुद्ध गरीबी का प्रमाण। जिस पंखे में से आवाज है ना, वो घर के हालात सही नहीं चल रहे। उस घर को अपनी आर्थिक स्थिति पे काम करने की सख्त जरूरत है। जिसमें से आवाज है और फिर भी लोग कंफर्टेबल हो चुके हैं। देखो, इस आवाज के आने के बावजूद किसी को टेंशन नहीं, रिलैक्स होकर के बैठे हुए। देखो कोई नहीं, कुछ भी नहीं। एक इधर फोन चल रहा है, इधर फोन चल रहा है, इनको कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से। क्या आपके घर के पंखे में भी ऐसी आवाज आती है? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज मैं आया हूँ विकासपुरी, बड़े दिनों बाद। सुबह से आया हूँ और सोचे थे ब्लॉग बनाए, पर माहौल ही नहीं बन पा रहा था। अचानक से एक पंखे की आवाज ने पूरा समा बांध दिया। पता है क्या होता है इसमें आवाज? जब बात करो ना फोन पे आप धीरे करो ना, तो ये बहुत तेज बोलता है, जिसको धीरे बोलवाएंगे दोस्तों। हाँ बताइए, बात करते हो ना फोन पे, जब आप बात करते हो? नहीं धीरे बोल। जब आप बात करते हो ना फोन पे, जब आप बात करते हैं फोन पे किसी से, तो सामने वाले को भी सुनाई देती है ये आवाज। कौन सी? चिरचिर। हाँ ये चिरचिर। तो बोल रहा उसने मुझे कितनी बार की आपके यहाँ से फैन में से चिरचिर क्या आवाज आ रही है, बार बार खराब है तो सही करा लो। और दोस्तों एक और चीज भी आपके सामने दिखाने के लिए, जो की अभी तक नहीं दिखाई है, ये भी दिखाओगे? ये तो उस दिन आंधी चली, निखिल भैया ना बस क्या कहते हैं शीशे को, बस ऐसे हाथ लगा रहे थे कवर को, शीशे नीचे चला गया, शीशा बह गया। देखो दोस्तों आंधी चली थी आज से आते 3 से 4 दिवस पहले। दिल्ली के अंदर एक बहुत तूफान आंधी करीब का माहौल आया था, चारों तरफ हाहाकार मच गई थी। रात को 2 बजे की बात है ना, एकदम। ये देखो, ये देख रहे हो ऊपर आप, यहाँ पे शीशा था और शीशा परसों की आंधी में टूट के गिर गया। परसों नहीं, 4-5 दिन हो गया। किसी को टेंशन ही नहीं सही कराना है। थोड़ा व्लॉग में झूठ बोल रहे थे, क्या हुआ? क्या थोड़ा व्लॉग में झूठ बोल रहे थे नोनू भाई, क्या हो गया भाई? ऐसे बात करा कर जी भाई, झूठ नहीं है दोस्तों। आपको पता नहीं भाई, निखिल बहुत ज्यादा तेज बोलता है, मतलब हद, नहीं नहीं, हद से ज्यादा तेज बोलता है, हद से ज्यादा तेज। देखा है व्लॉग में कौन तेज बोलता है? हमारे घर में सब तेज बोलते हैं। और तेरे पापा कितनी स्पीड से बोलते हैं? बोलते का बेंटन में तो एक्सेलरेट। आज डाई करिए, बाल देख रहा है? आज नहीं करी है। कितने दिन हो गए? 4-5 दिन। दुकान का काम है अंतरा, अभी तो लगाया दुकान। तो दोस्तों पापा की अभी, चलो वो व्लॉग अभी हमने डाला नहीं है, पर पापा ने दुकान खोली थी और जिस दिन मैं व्लॉग डालने वाला था उस दिन लॉकडाउन लग गया। तो वो वाला ब्लॉग भी डालेंगे। एक इन्होंने करीब कितने साल नौकरी करी होगी? 30 साल तो करी होगी ना, 33 साल नौकरी करने के बाद इन्होंने अपना एक स्टार्टअप खोला था। तो अभी दोबारा चालू होगा तो उसका वाला ब्लॉग डालूंगा मैं। तो हमने स्पॉट में डाल दिया बेचारों ने दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो वो तो सुन दोस्तों, आपको याद है इन लोगों के ना रिजल्ट आए थे 1.5 साल आपको दिखाया था, इनके 12th के रिजल्ट आए थे दोनों के, है ना? और निखिल भी था वहाँ पे सब। निखिल एक बात बता, वैसे अभी हम होके आए आकाश के यहाँ, आकाश के होकर गया आकाश के। अभी रुक भाइयों, अभी हम हो गए आकाश के यहाँ। तो निखिल है, देखो हमारा निखिल भाई पढ़ने में वैसे मेहनती है, सब कुछ है, पर पढ़ने में तेज नहीं। तो कॉरेस्पॉन्डेंट से ग्रेजुएशन चल रही है कि नहीं? उधर ना हम आकाश के उपदे थे, आकाश ने ऐसे चलते उधर। और तू क्या कर रहा है? कॉलेज में हूँ, कॉलेज में सेकंड ईयर है कॉलेज का। कह रहा कॉलेज में, कह रहा अच्छा कौन से कॉलेज में है? क्या बोला? श्यामलाल। कौन से श्यामलाल में है तू? चादरा वाला श्यामलाल है कॉलेज है। तू रेगुलर है उधर का? नहीं, कॉरेस्पॉन्डेंट कहता हूँ आपको मैंने, होती है। तो आकाश ने पूछा कि बीकॉम शायद बंद हो गया, सिर्फ बीकॉम ऑनर्स है, ये पूछा था ना? ऑनर्स है। मैंने बोल दिया हाँ बंद होगा, जबकि मुझे नहीं पता था। और मैं और अंबानी खड़े थे वहां पे। हाँ मैं, अंबानी और ये खड़ा अपना निखिल, और हम तीनों खड़े, ये कह रहा है हाँ कॉलेज चल रहा है श्यामलाल। और फिर उसके बाद आकाश ने पूछा अच्छा तो उसका बीकॉम ऑनर्स बंद हो गया? कह रहा हाँ बंद हो गया। तो आकाश कह रहा है कब से? 6 साल पहले बंद हो रहा? कह रहा नहीं नहीं मेरा तो 1 साल पहले ही बंद हुआ है। भाई गोली दे रहे हैं, गोली दे रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं बता रहा। अगर अभी गाड़ी में सिस्टम लगाने की बात हो जाए ना, अभी अभी लॉकडाउन में JBL का ऑफिस खुलवा देगा ये दोस्तों। आपको क्या बताऊं, एक टाइम पे हमारे पास थी बीट, शेवरोले बीट फर्स्ट गाड़ी ऐसे ली थी, पापा को प्रेशर में डाल के गाड़ी ले ली थी। घर पे सैलरी ज्यादा थी नहीं, पर हमने कहा अरे बहुत जरूरत है गाड़ी की। ये नहीं बोला कि और भाई PF का पैसा आता है, लोग अपने बच्चों की शादी ब्याह के लिए, एजुकेशन के लिए इकट्ठा करता है। और अंबानी के मन में थॉट आया, इनके दिमाग में डालो गाड़ी। तो अंबानी ने PF के पैसे से पापा को गाड़ी दिलवा दी। अब ले तो ली, चलाते तो अंबानी। एक टाइम ऐसा आया था हमारी गाड़ी में, वो वक्त था कि उस गाड़ी में जो चीजें रिक्वायर्ड होती है ना, जो रिक्वायर्ड चीजें होती है वो नहीं थी। जैसे रियर व्यू मिरर टूटा पड़ा था और गियर नहीं लग रहे थे, और क्या था ये साइड वाला मिरर भी, दो में से
कई लोग ना दिल्ली में जो दो की जगह एक ही मिरर से गाड़ी चला ले, ये सब नहीं था, पर टायरों में पर्पल कलर की लाइट लगी हुई थी भाई साहब। दोस्तों ये लोगों ने रिएक्शन क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसमें सच में पर्पल लाइट नहीं लगी थी। दोस्तों पापा के पीएफ से गाड़ी आई, पीएफ के पैसे से, और उसके तीन साल बाद अंबानी का जब उसने पहली जॉब छोड़ी तो पीएफ आया, उस पीएफ से उस गाड़ी में सिस्टम लगा। अब फोन भी पीएफ से लिया भाई, माँ कसम इस घर के लोग बुड्ढों को पता चल जाए ना पीएफ का क्या इस्तेमाल होता है इस खानदान के अंदर। वो सेविंग करवाना बंद करते, बताओ आप। 6 महीने पहले बेच दी वो 50। भाई की किस्मत देखो, भाई अब 3 गाड़ी है, शादी हो गई, मतलब एक नई लिया भी, कौन सी किया लिया ना, मैग्नम मिल रही है एक के साथ 6 फ्री। धीरे मैग्नम मिल रही है एक के साथ 6 फ्री। मैग्नम आइसक्रीम मैग्नम विकास फ्री में दोस्तों ऑफर चल रहा है। मैग्नम यहाँ पे किसने नहीं खाई, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्वालिटी वाला खड़ा होता था, अमूल वाला, और जो खड़े थे उस बेचारे का खाली रेडी खाली रहती थी क्वालिटी वाले की यहाँ पे। अभी मुझे पता पहले क्या लगता था, नोनू ने, मुझे लगा क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम अच्छी नहीं होती, पर नोनू ने बताया उसकी सबसे महंगी होती है, इसलिए उससे कोई नहीं लेता। तो भाई वडीलाल सारे लोकल आइसक्रीम वाले अंधाधुन बेच रहे, 12-12 बजे तो भेज रहे हैं वो क्वालिटी वॉल्स वाला बैठ कर। 3 दिन से भाई विकासपुरी में ऑफर चल रहा है, 1 पे 5 मैग्नम फ्री, 80 रुपए की जो एक आइसक्रीम आती है वो 80 रुपए की 6। अब आप विकासपुरी में कभी चक्कर मारो, 3 लड़के मैग्नम चूसते दिख रहे थे थोड़ा। भाई अमूल वाला तक मैग्नम खा रहा है, तो इनके जब तक व्लॉग आएगा किसी को मैग्नम खाने का शौक है, हाँ बस लाइन लगी हुई है एक आइसक्रीम के दाम में 6 मैग्नम और 1 करोड़ कोविड फ्री। तो यार गाइस दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज व्लॉग, आई होप यू लाइक्ड इट। ये डाल दो व्लॉग सीधा अपलोड मार दो, अभी कर दो ये अपलोड, लाइक आएंगे ना, सब्सक्राइब चैनल। ओके गाइस, तो ये व्लॉग अनकट कर देंगे सीधा, अब आप शेयर करो दोस्तों। हाँ अच्छा एक कहानी तो बतानी भूल गया, दोनों बच्चों को आपको मैंने दिखाया था ना लास्ट ईयर, ये दिखाया था दोनों बच्चे बेचारों का रिजल्ट आए थे, फिर कॉलेज एडमिशन के लिए जद्दोजहद चल रही थी क्या हुआ है, अभी दोनों 1.5 साल से कॉलेज में है और एक तरीके से नहीं भी है। इनफैक्ट इसके कॉलेज खुलने से 1.5 महीने पहले मैंने पूछा था कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर ले, जूते तो ले ले, कह रहा नहीं भी जब कॉलेज खुलेगा तब लूंगा मैं। 1.5 साल हो गया, सारी शॉपिंग तरी की तरी रह गई है, सारी क्लासे घर से बैठ कर अटेंड कर रहा है। एक साल पहले इसने ऐप बनानी शुरू करी थी कि क्रंचेस करके बॉडी बना के कॉलेज में जाऊंगा, पहले दिन मंदी सेट। 2 साल से काली किताब, ये देखो दोस्तों किताबें पढ़ रहा है बैठ करके। जैसे आपने तो वो हमारा वाला व्लॉग जो था आकाश जो हमारा वाला, वो आपने बाद में डालना था व्लॉग में, बैठ गया था आसपास उसके, तो नीचे कमेंट में कितना लिख रहे थे। हाय गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। 3-4 दिन के लिए सब लोग आए हैं घर पे, मैंने कहा पहले ही बता दो बातों में, कहीं लंबे का प्लान। गुब्बी क्या आप व्लॉग के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? ये देखो दोस्तों पलटन आ गई है, अरे मेरा पैर छू रहा है। मुझे आदत नहीं है। और कुछ भी शायद सब लोग खुशी खुशी आए हैं, क्यों निकल गया, कह रहे बहुत कलेश चलता रहा उसका। दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, दुनिया में मार्केटिंग कितनी ज्यादा आगे बढ़ गई, इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है कि रोस्टेड पीनट्स आ रहे हैं, रोस्टेड पीनट्स आलू भुजिया के फ्लेवर में, मतलब कुछ भी बेच दे रहे हैं मार्केट में, और सच में आप इसे खाओ तो हल्का हल्का भुजिया का फ्लेवर आ रहा है। देखो सिर्फ पीनट्स आए हो जो कि इसमें फ्लेवर भुजिया का है, समझ पा रहे हो क्या है, मैं टेस्ट करके चेक कर रहा था बस। दोस्तों दिल्ली में चल रहा है भयंकर तूफान इस वक्त, बाहर आप देख सकते हैं, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों पे, बाहर ही रहना चाहिए, दरवाजा मैं बंद करूंगी क्योंकि बहुत धूल आएगी अंदर, जबरदस्त वेदर रखा है बाहर, जबरदस्त नहीं है इतना धूल होके रखा है, इतना सारा कूड़ा उड़ रहा है भाई सड़क, एक चिड़िया भी ऐसे जाती है जैसे हो गई अपनी। अब फिटनेस की दुनिया में कुछ ज्यादा ही लोग आ गए, ये घर नहीं अखाड़ा है अखाड़ा, ये देखो कपूर अखाड़ा, अभी अभी निखिल करेगा कपूर अखाड़ा एक्सरसाइज ही एक्सरसाइज। सर वो भी कर रहा है, मेरा भाई है ना, ये सब मेरे घर पे आए हैं अभी, हाँ वो भाई भी कर रहा है, तो सभी कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कपूर इसको पूरा कपूर अखाड़ा बना रखा है, हाँ वो उधर हॉल में कर रहे हैं, मैं इस कमरे में, वो उस कमरे में, इसके नॉकिंग नीज है ना निखिल के, सर नीचे, हाँ नीचे मतलब सुलाना नहीं, हाँ बस इधर से क्यों आवाज आ रही है, तू भी ब्लॉग का सवाल है, भी तू भाग मिलकर। ओके गाइस, इफ यू लाइक द व्लॉग डू सब्सक्राइब टू द चैनल, वी आर वेरी क्लोज टू 2 लाख सब्सक्राइबर्स, एंड आई होप अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो जल्दी जल्दी हम 2 लाख पे पहुंच जाएंगे। सो यस, सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि अभी अपने तीनों भाई बहन अभी घर पे आए थोड़े दिन के लिए, और ये देखो क्या कर रहे हैं, पीछे बैठ कर खा रहे हैं, दिन भर कुछ नहीं काम सिर्फ खाना, ठीक है, तो सी यू गाइस इन अनदर व्लॉग, थैंक यू सो मच।